खबर पौड़ी से है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर करे सख्त कार्रवाई। सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक NIC कक्ष में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारी व पुलिस विभाग को शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों व थाना अध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत संभावित दुर्घटना स्थलों क्रैश बैरियर लगाने के लिए सर्वे कर 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे ऐसे स्थलों पर समय पर कार्य किया जा सकेगा और दुर्घटनाओं पर भी रोक लग सकेगी। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारी को पौड़ी देवप्रयाग मोटरमार्ग में नियमित रूप से पानी का छिड़काव रेलवे में करवाने को कहा। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग को वाहनों की चेकिंग करते हुए शराब पीकर वाहनों का संचालन करने वाले वाहन चालकों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त करने को अधिकारियों ने कहा, जिन क्षेत्रों में पार्किंग बनाई जानी है, इसके लिए एस्टिमेट तैयार कर प्रस्तुत करें। हमारे अभी के जो एक्सीडेंट्स का नंबर है वो 14 का नंबर है, और फॉर्चुनेटली लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली कैजुअलिटीज़ का, एक्सीडेंट्स का और घायलों का नंबर डाउन हुआ है, और साथ ही एनफोर्समेंट जो बढ़ाया जाना है एनफोर्समेंट भी हमारा बढ़ा हुआ है। पुलिस के चालानों की संख्या 11,000 से ज़्यादा है जो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सिमिलरली आपका परिवहन विभाग के भी जो चालान है वो डबल से भी ज़्यादा है। तो हमारा एनफोर्समेंट अवेयरनेस से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और साथ ही जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अभी हमारा जो रनिंग मीटर में जो क्रैश बैरियर्स लग रहे हैं वो भी 115 किलोमीटर का एरिया हमारा अचीव हो चुका है 210 के अगेंस्ट। तो सारे एस्पेक्ट्स पे काम हो रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।